भाइयों, होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो एक चीज़ है कि आप लोगों को जो ट्यूशन प्रैक्टिस करना चाहिए आफ्टर वीडियो देखने के बाद, तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगी। वहाँ पे आपको PDF मिलेगी, एक गूगल ड्राइव की लिंक से, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और उनमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहिए। जिसमें भी आपको डाउट आता है वो टेलीग्राम लिंक पे आप विजिट कीजिए और वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको जो भी डाउट आ रहे हैं वहाँ पे वेरियस स्टूडेंट्स या फिर हम लोग भी अवेलेबल है, तो आपको तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। ओके, तो जो आगे आज हम जो पहला टॉपिक कवर करेंगे वो है कैलेंडर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। ओके, तो कैलेंडर थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें पर्टिकुलर डेट दी होती है और हमें उसके बेसिस पे हमें ये बताना होता है कि पर्टिकुलरली उस डेट को कौन सा डेट था। ओके, तो इसकी कुछ ट्रिक्स है, कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं और उन रूल्स की हेल्प से हम बहुत ही जल्दी से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रिक बनी हुई है उसको बहुत ईजी वे में सॉल्व कर पाएँ। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है जो आप हम लोगों को याद रखना है वो है कि जो भी मल्टीपल होंगे 4 के, मल्टीपल ऑफ 4 इज लीप ईयर। ओके, मल्टीपल ऑफ 4 इज ए लीप ईयर। ठीक है, तो देखिए जैसे 4, 8, 12, 16, ये जो सब होंगे ये क्या होंगे? लीप ईयर। ओके, ठीक है। दूसरा रूल जो आपको याद रखना है वो है कि सेंचुरी ईयर जो भी है, सेंचुरी ईयर लाइक दैट 100, 200, 300, 500। ओके, ये क्या है? नॉट ए लीप ईयर। ओके, नॉट ए लीप ईयर। ओके, लेकिन जो भी सेंचुरी ईयर में जो 400 के जो मल्टीपल वाले जो ईयर हैं, 400, 800, 1200, जो ये हैं, ये क्या होते हैं? लीप ईयर। ओके, तो लीप ईयर कौन कौन से होते हैं वो आप समझ चुके हैं कि कौन सा ईयर लीप होगा और कौन सा ईयर लीप नहीं होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि लीप ईयर में हम क्या देखेंगे। बेसिकली आप समझिए कि जो लीप ईयर है इसमें क्या है कि जो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, लाइक दैट 4, 8, 12, 16, ये सब लीप ईयर होंगे। सिमिलरली जो सेंचुरी ईयर है, लाइक दैट 100, 200, 300, 500, ये सब क्या होंगे? लीप ईयर नहीं होंगे। लेकिन जो ईयर 400 के मल्टीपल में आ रहे हैं वो सब लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है लीप ईयर और जो लीप ईयर नहीं है उनका कॉन्सेप्ट ये होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जो हम ऑर्डिनरी ईयर और जो लीप ईयर है उसको समझने का ट्राई करेंगे। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे किसको? ऑर्डिनरी ईयर। ओके, तो देखिए जो ऑर्डिनरी ईयर होगा उसमें क्या होगा कि हमारे 365 डेज होंगे। ओके, 365 डेज होंगे। तो देखिए 365 डेज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 52 वीक इंटू 7। ओके, प्लस 1 डे जो कि होगा ओड डे। ओके, 1 डे ओड होगा, यानी कि 52 वीक्स होंगे वो तो 7 के मल्टीपल होंगे एंड फिर 1 डे ओड होगा। अब जो लीप ईयर जो ईयर होगा उसमें क्या होगा वो हम समझने का ट्राई करेंगे। तो हमको बताया है कि जो लीप ईयर होता है उसमें 1 डे एक्स्ट्रा होते हैं, तो 366 डेज होंगे। ओके, तो देखिए 366 डेज का मतलब 52 वीक इंटू 7 प्लस 2 डे जो कि क्या होंगे? ओड डे होंगे, 2 डे ओड होंगे। ओके, तो समझिए क्या हो रहा है कि अगर हमें ऑर्डिनरी ईयर प्लस लीप ईयर को समझने का ट्राई करेंगे तो देखिए जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। तो जब हमने 365 को मैं 7 का डिवाइड करके देखा तो हमें पता चल गया कि 52 वीक इंटू 7 एंड 1 डे वन रिमाइंडर रह रहा है या फिर 1 डे ओड है। ऐसे सिमिलरली 360 डेज के लिए भी हमने देखा तो 2 डे रिमाइंडर रह रहा है और वो एज ए 2 डे बच रहे हैं। ओके, तो ये हमें लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब देखिए
इसके बाद हमें ये समझने का पड़ेगा कि किस तरीके से हम जो रिमाइंडर होते हैं वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं। अब जो लीप ईयर है और जो लीप ईयर नहीं है उनमें रिमाइंडर कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए बेसिक हम एक केवल 100 को समझेंगे, देन बाकी आप सिमिलरली चेक कर लीजिएगा। तो देखिए 100 के लिए आप समझेंगे तो 100 ईयर्स में अगर आपको पता करना है कि 100 ईयर में कितने रिमाइंडर बचेंगे या कितने ओड डे बचेंगे, कितने ओड डे बचेंगे, ओके। तो देखिए 100 डे में हमने देखा था कि जो 4 के मल्टीपल है वो जो ईयर होंगे वो क्या होंगे, लीप ईयर। तो देखिए अगर आप 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम पूरे जाएगा, ओके 24 टाइम जाएगा 96 टाइम में 96 आ जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि 100 आएगा जो 25 टाइम अगर हम करेंगे, लेकिन हमने देखा था कि सेंचुरी ईयर जो 100 200 300 होते हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। यानी कि हमें ये पता लग गया कि जो 100 ईयर है उसमें 24 ईयर तो लीप ईयर है, प्लस जो 76 ईयर है, 76 ईयर्स टोटल वो है ऑर्डिनरी ईयर, ओके। ये आपको समझ में आ गया 100 को हमने क्यों नहीं लिया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, ये बेसिक ट्रिक है, आपको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ओके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका आ जाएगा 48 ओड डे। क्योंकि हमने देखा था लीप ईयर जो होते हैं उनमें हर एक लीप ईयर में कितने ओड डे थे, जो हमने जस्ट इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हर एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में एक ओड डे होता है, ओके। तो इसमें कितना हो जाएगा एक, तो ये आ गया 76, ओके 76। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 124, ओके 48 इन प्लस 76 कितना आ जाएगा 124 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि रिमाइंडर कितना है। या तो आप सिंपली देखो जो हमने लास्ट वाला रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप जब गेट का पेपर कर रहे हो, बाकी का पेपर कर रहे हो, तो आप क्या करें वर्चुअल कैलकुलेटर से डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल लीजिए, या फिर आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, ईजी कैलकुलेशन है, तो आपको पता लगेगा कि रिमाइंडर 5 आ रहा है, ओके रिमाइंडर 5 आ रहा है। इसका मीन्स क्या हो रहा है कि 5 ओड डे आ रहे हैं इसमें, ओके तो 5 ओड डे। सिमिलरली जब आप चेक करेंगे किस किस के लिए, ये आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो है आपके 100 के लिए। सिमिलरली जब आप चेक करेंगे कि जो 200 ईयर है, 200 ईयर अगर टोटल होते हैं तो उसमें आप चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे 3 ओड डे, ओके 3 ओड डे, ओके। देन उसके बाद अगर आप 300 ईयर की बात करेंगे, 300 ईयर्स, देन उसमें भी आपको कितने ओड डे मिलेंगे, 1 ओड डे, ओके। देन आप अगर बात करते हैं 400 ईयर्स की तो आपको उसमें मिलेंगे 0 ओड डे। क्यों 0 ओड डे क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि 400 जो आ रहा था उसमें क्या आप चेक करेंगे तो 400 में जब इस मेथड से आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा, ओके। ऐसे 300 में करेंगे तो 1 मिलेगा और 200 में आपको 3 मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो आपको अभी तक क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट चीज़ जो ये आप नोट कर सकते हैं, फर्स्ट चीज़ आपको जो याद रखनी है वो आपको ये याद रखना है कि लीप ईयर कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर कौन से होते हैं, कौन से ईयर लीप ईयर होते हैं, कौन से ईयर ऑर्डिनरी ईयर होते हैं लीप ईयर। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो 100 ये आपको हर जगह काम आएगा, इसलिए मैं वापस आपको नोट करवा रहा हूँ कि जो 100 ईयर होगा उसमें होंगे 5 ओड डे, ओके 5 ओड डेज। ये आप अच्छे से याद रखने का ट्राई कीजिए, हर जगह आपका काम आएगा। ऐसे 200 डे में आपका कितना आएगा, इसका जो डेरिवेशन है वो कि कैसा आया वो हम लास्ट वाले स्लाइड में समझ चुके हैं। तो 3 ओड डेज आ गया, ठीक है। इसके बाद आप समझेंगे कि 300 ईयर है अगर, 300 ईयर, देन उसमें आपको मिलेगा 1 ओड डे, ओके 1 ओड डेज। देन आपको अगर हम देखें 400 ईयर्स तो इसमें आपको मिलेगा 0 ओड डेज, ओके 0 ओड डेज, ओके। ये याद रखना है आपको, ये सिंपली आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने के लिए एक बहुत ही आसान से ट्रिक क्रिएट करने की कोशिश की गई है, होपफुली आप उसको समझ पाए, हाँ ठीक है। और उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नॉर्मली जब हमें पर्टिकुलर डेट दी जाए और किसी पर्टिकुलर, दो तरीके के क्वेश्चन हमें जनरली दिखेंगे तो उन दोनों को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर जो फर्स्ट तरह के क्वेश्चन होगा वो होगा कि जैसे आपको पर्टिकुलर को डेट दी जाए और उसमें आपको डे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा डे होगा, तो आपको सिंप्लीफाई सिंपल इस तरीके से सोल्व करना है जो मैं अभी डिस्क्राइब करने वाला हूँ। उसके बाद सेकेंड जो आपको तरीका दिखाया जाएगा, फर्स्ट मेथड और देन सेकेंड मेथड जो आपको दिखाया जाएगा, उसमें क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर कोई डेट दी होगी और उस पर एक डे दिया होगा, ठीक है। एंड उसके हिसाब से आपको
कोई नेक्स्ट डेट दी हुई होगी और उस पे आपको डे निकालना है। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा ओरिजिनल कैलेंडर है उस हिसाब से उस डेट की डे हमें दिया हुआ हो, सेपरेट भी हो सकता है, उसके हिसाब से हमें निकालना है। ओके, तो हम पहले वाला जो मेथड देख रहे हैं उसमें एक चीज काम आती है, वो है कि हम एक रिमाइंडर सेट कर लेते हैं पर्टिकुलर डेज के लिए। ओके, तो देखिए संडे, मंडे, ओके, देन ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इसके लिए आप जीरो लिखेंगे जब भी आपको संडे चेक करना है, जब लास्ट में आपके पास कितना रिमाइंडर बचता है। तो अगर आपके पास जीरो आता है तो आप समझ जाएंगे कि संडे है उस दिन, अगर वन आता है तो मंडे है, और अगर टू आता है तो ट्यूसडे, अगर रिमाइंडर थ्री आता है एंड में सारी कैलकुलेशन करने के बाद तो आपका वेनसडे, एंड अगर थर्सडे के लिए फोर, एंड फ्राइडे के लिए फाइव, एंड सैटरडे के लिए सिक्स, एंड देन रिपीट हो जाएगा ये साइकिल। ओके, तो ये रिमाइंडर आपके फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद अगर बचते हैं तो उस हिसाब से आप डेट डिसाइड कर सकते हैं। अभी आप रूल को याद करने की कोशिश कीजिए, एक एग्जांपल सोल्व करते ही आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। ओके, तो अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, उसको समझने का ट्राई कीजिएगा। ओके, तो एग्जाम्पल शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से वेरियस मंथ के लिए क्या हम रिमाइंडर लेंगे। ओके, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके, मई, जून, ओके, जुलाई, अगस्त, ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो देखिए जनवरी में आप कितना रिमाइंडर आएगा, यानी कितने ऑडिट डेज बचेंगे, आप खुद चेक करके बता सकते हैं। नॉर्मली आप देखिए कि 31 डेज में अगर आप 7 का डिवाइड करेंगे तो 28 फोर टाइम चला जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 3, इट मीन्स इसमें 3 ऑड डे होंगे। अब जो फेबरी वाला मंथ है जो लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर में तो 29 डेज होते हैं तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, लेकिन जो लीप ईयर नहीं है उनके केस में रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 28 डेज होते हैं और 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 0। ओके, ऐसे ही अगर हम मार्च की बात करते हैं तो वापस 31 डेज, 3 अप्रैल में आएगा 30 डेज, अगर 30 डेज है तो 28 टाइम 7 से डिवाइड करेंगे, 28 टाइम 4 टाइम चला और 2 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए 2 ऑड डेज। ओके, सिमिलरली इसमें 3 2, जुलाई में 31 होते हैं इसलिए 3, और अगस्त में भी 31 होते हैं इसलिए 3, देन अगेन 2 3 2 3। ठीक है, नॉर्मल एक पैटर्न है, आपको याद रखने की कोशिश करना है कि जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए अकॉर्डिंग टू लीप ईयर हम डिसाइड करेंगे, देन उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हम 3 3 का कॉन्सेप्ट आएगा, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिमिलरली। ओके, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ये सब आपका जो भी बेस बना है अभी तक कैलेंडर में, जो भी हमने पढ़ा है, ये सब आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें यूज हो रही है। अभी आप इन सब को याद करने की कोशिश कीजिए, हम जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल। ओके, तो हमें इस एग्जाम्पल में हमें एक डेट दी हुई है, लाइक दैट कोई रेंडम डेट दी हुई है कि 3rd अगस्त 2018 को कौन सा डे था। ओके, तो हमें इसमें बताना है कि 3rd अगस्त 2018 को कौन सा डे था। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, अब आपको कैसे बताएं इसके लिए, अगर हमें प्रॉपर मेथड नहीं पता तो हम नहीं बता सकते। ओके, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है जो ये ईयर है। ओके, तो 2018, अगर 2018 है तो हमें इसका 2000 तक जाना है। ओके, हम कहाँ तक जाएंगे, 2000, ये ट्रिक चल रही है, आप ट्रिक्स को सिमिलरली यूज करने का ट्राई कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हम देंगे लास्ट में। ठीक है, तो 2000 में आप देखेंगे कि हमने सेंचुरी ईयर वाला कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें 400, 600, 400, 800, 1200, 1200 सिमिलरली 2000 उसी में आता है। तो देखिए इसमें जो ईयर्स आते हैं उनमें हम जीरो रिमाइंडर लेते हैं। ओके, जीरो रिमाइंडर, 400, 200, ऐसे 100 वाला होगा, 200 की होगा, 300 होगा, 400 होगा, तो उनमें 5310 हमने सीखा था वही है, लाइक दैट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप 500 की लोगे, जैसे आपको बोला जाए कि 500, तो ये क्या है, 400 से
100 ज़्यादा है ओके, लेकिन 400 के लिए 0 एंड 100 के लिए कितना है, 100 के लिए हमने देखा था कि 5 ओड डे होते हैं, तो इसका जो रिमाइंडर होगा 5 ओड डे होगा और इसको हम ऐड कर लेंगे लास्ट में ओड डे को ओके। तो इस तरीके से आपको चलना है, तो यहाँ पे 2000 है तो ये यहाँ पे हम 0 लेंगे ओके, तो 2000 के लिए 0। अब अगर यहाँ पे 2018 है तो 2018 का अगस्त वाला महीना चल रहा है, इट मीन 2017 तक कंप्लीट हो चुका है, तो हम केवल जो 18 है तो हम उससे जस्ट प्रीवियस ईयर तक जाएंगे ओके। 17 यहाँ पे हम लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से एक इसको डिवाइड कर लेना है ओके, इस तरीके से आपको इसको डिवाइड कर लेना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना है कि जो 17 ईयर है, 17 ईयर्स को मैं आपको फाइंड आउट करना है कितने लीप ईयर है और कितने ऑर्डिनरी ईयर है ओके। तो देखिए 17 जो है, 17 में आप जाएंगे तो देखिए आपने लिखा ईयर 17 ओके, तो 17 में हम देखेंगे कि लीप ईयर कितना है और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं ओके, ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं ओके। तो देखिए लीप ईयर के लिए आप क्या करेंगे, 17 है तो देखिए 4, 8, 12 और 16 फोर लीप ईयर है इसमें ठीक है, फोर लीप ईयर है, तो अगर फोर लीप ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर ऑटोमेटिकली 13 हो जाएंगे ओके। तो देखिए हमने देखा था कि हर लीप ईयर के अंदर 2 ओड डे होते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। सिंपल ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें 1 ओड डे होता है ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको जब कैलकुलेट किया तो ये हमारा आया 8 और ये हमारा आया 13, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 21। अब हमें क्या करना है, 21 7 से बड़ा आ रहा है क्योंकि हमें 7 के मल्टीपल के फॉर्म में ही रखना है, 7 से जैसे ही बड़ा आ जाए हमें उसमें 7 का डिवाइड कर देना और रिमाइंडर चेक करना है। तो लेकिन यहाँ पे जब हमने 7 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बचा क्योंकि 7 को हम 3 टाइम जब करेंगे तो 21 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 ठीक है। तो ये आपका अब तक क्या 2017 तक आपका पता आपको चल चुका है कि 0 रिमाइंडर आ रहा है ओके। अब आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ तो 3 अगस्त की बात हो रही है, यानी 2017 तक आप चेक कर चुके हैं, अब 3 अगस्त तक आपको जाना है। अब देखिए अब हम ये 2017 के मंथ की कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है, ये 2017 के मंथ की कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है, तो अब आपको क्या करना है 2018 में एंटर करना है ओके, 2018 में एंटर करना है। तो हम 2018 में एंटर कर रहे हैं, तो देखिए 2018 में क्या होगा कि हमने देखा कि जनवरी मंथ हो चुका है ऑलरेडी, फरवरी भी हो चुका है, मार्च भी हो चुका है एंड अप्रैल भी हो चुका है, सिमिलरली मई भी हो चुका है एंड जून भी हो चुका है और जुलाई भी पूरा हो चुका है, देन 3 अगस्त आया ठीक है, तो अगस्त भी हम लिख सकते हैं साइड में कि अगस्त कितना आ चुका है ओके। तो देखिए जनवरी के अंदर हमने देखा था कितने आते हैं रिमाइंडर या ऑडिट डे 3 ओके, ऑडिट डे मतलब 7 का डिवाइड, 31 डेज में 7 का हमने डिवाइड किया तो कितने रिमाइंडर बच रहे हैं, वही ऑडिट डे वही रिमाइंडर ओके। फरवरी 2018 तो देखिए फरवरी 2018 नॉट ए लीप ईयर ओके, तो इसलिए इसमें 0 आएगा। सिमिलरली फॉर द मार्च 3, फॉर द अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 एंड अगस्त, अगस्त में अभी अगस्त कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 3 अगस्त तक गया है केवल, तो 3 अगस्त मतलब 3 डेज हो चुके हैं, तो 7 से तो कम है इसलिए डायरेक्टली 3 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 अगस्त होता तो यहाँ 5 आ जाता, अगर यहाँ पे 10 अगस्त होता तो 7 से 3 अबाउ जा रहा है, तो जो वो 3 होते वो यहाँ पे आते जो रिमाइंडर इतने 7, जैसे 7 से अबाउ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर जाएगा तो हम क्या करेंगे 7 का डिवाइड करके चेक करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे जो अगस्त है, अगस्त में आपको कितना मिला, अगस्त में आपको कितना मिला 3 ओके। तो अब तक ये समझ चुके हैं आप, अभी तक हमने ये सारा देख लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप इन सबको ऐड कर लेंगे, जो भी ये आपके पास आए हैं इनको आप ऐड कर लीजिए ओके, आप इनको ऐड करिए सबको ठीक है। तो जब आपने इनको ऐड किया तो आपको देखिए कितना मिलता है, आपको मिलेगा 19 ओके, तो 19, लेकिन 19 7 से बड़ा है, वापस हमें 7 के फॉर्म में ही देखना है, 19 7 से बड़ा है तो हमें कितना रिमाइंडर, 7 12 14 एंड 5 रिमाइंडर ओके, तो 5 इज रिमाइंडर और इट मीन्स 5 ओडेड डे ओके, 5 रिमाइंडर और 5 ओडेड डे कैसे भी लिख सकते हैं आप ओके ठीक है, ये सीख चुके आप। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये हम थोड़ा सा इधर लेते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि 5 ओड डे आपके पास आ चुके हैं, तो इसके बाद आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है कि आपको क्या करना है कि जो आपके यहाँ 2000 से जो रिमाइंडर आया, देखिए 2000 से जो रिमाइंडर आया ईयर के बेसिस पे जो रिमाइंडर आया
वो कितना है आपके पास, जीरो। ठीक है, तो ईयर के बेसिस पे जो रिमाइंडर आया है वो आया आपके पास जीरो। ओके, ऐसे सिमिलरली जब ये जो अबव मतलब 2000 से कितने ईयर ऊपर जा चुका है, लाइक दैट 17 यहाँ पे ऊपर जा चुका है, तो 17 ईयर जब ऊपर जा चुका है तो 17 के हिसाब से हमने जो निकाला था रिमाइंडर वो भी हमारा जीरो आया था, क्योंकि यहाँ पे हमने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट लगा के इस तरीके से चेक किया था, आपको भी इस तरीके से चेक करना है, तो वहाँ से भी हमें रिमाइंडर, इसका भी रिमाइंडर हमें जीरो मिला था। ओके, लेकिन जब हमने इससे चेक किया कि जनवरी फरवरी के मंथ के हिसाब से 3 अगस्त तक जब हम आए 2017 कंप्लीट होने के बाद, 2018 में जब हम 3 अगस्त तक आए तो हमें उसके रिमाइंडर में 5 मिला। ओके, तो 5, लेकिन अब ये टोटल इनका सम हमारे पास 5 आ रहा है जो कि 7 से कम है। अगर मान लीजिए ये टोटल सम 7 से अबव आता है तो हम अगेन 7 से डिवाइड करके देख जो रिमाइंडर बचेगा उसको लेंगे। ओके, लेकिन ये तो 7 से कम आ रहा है इसलिए हम डायरेक्टली 5 ले लेंगे। ओके, अब देखिए अगर हमने 5 ले लिया तो आप ये समझने का ट्राई कीजिए कि हमने जो पुराने रूल्स पढ़े थे उसके हिसाब से 5 किसके लिए आता है। ठीक है, 5 किसके लिए आता है, तो देखिए उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए देखिए आपने क्या पढ़ा था, संडे होता है तो 0, ठीक है, मंडे होता है तो 1, ओके, ट्यूजडे के लिए 2, इसीलिए वेनसडे के लिए 3, और थर्सडे के लिए 4, सिमिलरली फ्राइडे के लिए 5। ओके, तो फ्राइडे के लिए हमारे पास 5 आ चुका है। अगर फ्राइडे के लिए हमारे पास 5 आ गया है तो आप देखिए कि ये 5 यहाँ पे भी हमारा है, तो यहाँ के हिसाब से जो हमारा फाइनल आंसर आता है वहाँ से हम इसको मैच करेंगे तो हमें पता लग जाएगा लाइक दैट, क्योंकि 7 का हिसाब से रिमाइंडर चेक कर रहे हैं तो 0 से 6 के बीच में ही कोई नंबर आने वाला है। अगर मान लीजिए सैटरडे होता तो 6 आता तो हम देखते सैटरडे, लेकिन यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे अगर 5 आया तो इसका मतलब ये है कि जो ये 3 अगस्त 2018 होगा यहाँ पे हमारा फ्राइडे होगा। ओके, यहाँ पे हमारा फ्राइडे होगा, आप जाके देखिएगा कैलेंडर में 3 अगस्त 2018 को फ्राइडे होता है होगा। ठीक है, आप अगर चेक कर सकते हैं वैसे लाइक इस क्वेश्चंस को। तो हमने क्या किया, हम रिपीट करते हैं पूरे क्वेश्चंस को जिससे आप स्टेप बाय स्टेप समझ सके। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हम 2000 पे गए कि जो 2018 है उसमें कौन सा ईयर तक सेंचुरी ईयर तक ये जा रहा है, तो 2000 सेंचुरी ईयर तक ये गया था तो हमने 2000 सेंचुरी ईयर को देख लिया। देन 2000 में हमने देखा 400 के हिसाब से, 400 जब हम उनके मल्टीपल के हिसाब से ऐसे देखा था वो जीरो आया रिमाइंडर उसमें। ओके, उसके बाद 17 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ये जो 17 ईयर आपको दिख रहे हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। जब 17 ईयर कंप्लीट हो चुके तो हमने 17 ईयर के हिसाब से हमने देखा कि उसमें कितने लीप ईयर है और कितने ऑर्डिनरी ईयर है, है ना। जो लीप ईयर है उसमें 2 ऑड डे होते हैं, हमने अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको मैं देखा होगा कि लीप ईयर में 2 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं तो 2 ऑड डे होते हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 8 है, सिमिलरली 13 में 13 है, लेकिन ये 21 हो गया इनका सम। अगर 21 है तो 7 से बड़ा आ रहा है, तो 7 से बड़ा आने के कारण हमने उसमें 7 डिवाइड किया तो ये पूरा चला गया, इस वजह से क्या है हमारे पास 0 आ चुका है, तो 0 आ गया मतलब रिमाइंडर 0 और ये ऑड डे 0, तो इट मींस हमारा 2017 तक का कैलकुलेशन इस ऊपर वाले पोर्शन में कवर हो चुका है। अब देखिए यहां जो हमने किया है वो 2018 के लिए किया है, तो 2018 के लिए हमने देखा कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, अगस्त में 3 अगस्त तक की हम बात कर रहे हैं, तो जनवरी के हिसाब से हमने जो लास्ट रूल सीखा था उसके हिसाब से जनवरी में 3 ऑडिट डे होते हैं, फरवरी जो क्योंकि 2018 है और ये लीप ईयर नहीं है तो इसमें 28 डेज होंगे और 28 डेज के हिसाब से 7 से डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा, इसलिए ये यहां पे 0 आया। अगर यहां पे इन केस 2016 होता और लीप ईयर होता तो यहाँ पे 1 आता क्योंकि 29 डेज होते हैं। ओके, सिमिलरली फॉर मार्च अप्रैल 3 2 3 2 3 सिमिलर कॉन्सेप्ट चलेगा, और अगस्त के लिए 3। जब हमने इनका सम किया सबका तो हमारे पास आंसर मिला वो था 19, और उस 19 क्योंकि 7 से बड़ा है तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमें 5 रिमाइंडर मिला, यानी कि 5 ऑड डे होंगे। फिर हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास रिमाइंडर आए थे इस वाले केस से, इस वाले केस से और इस वाले केस से, इन तीनों का हमने सम कर दिया, तो वहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0 और यहाँ से 0 0 एंड यहाँ से 5, तो इन 5 से इनका जब हमने सम अप किया तो हमें मिला टोटल 5 जो कि 7 से कम है। तो हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे, हमने जो रूल सीखा उस हिसाब से संडे के लिए 0 होता है, मंडे के लिए 1 होता है, ट्यूसडे के लिए 2 होता है, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो फ्राइडे के लिए 5 था, इट मीन 3 अगस्त 2018 को फ्राइडे होगा। ओके, ये आप समझ चुके हैं। अब हम अगला एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर डेट दी होगी और उस पर कोई फॉल्स डे दिया होगा, जो नेचुरली वो डे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हमें वो डे दिया होगा
हमें उसकी हिसाब से ही आगे जो कोई डे दिया होगा उसका हमें चेक करना है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और इसके सिमिलर क्वेश्चंस आपको नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन लिंक खोलेंगे तो वहाँ पे आपको एक 2017 की वर्कबुक मिलेगी और बहुत सारे क्वेश्चन सीट मिलेगी, उनमें आप इससे सिमिलर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, आप उनको सॉल्व कीजिए, उनके आंसर कमेंट में कीजिए अगर आपको थोड़ी। तो हमने एक वैरायटी का क्वेश्चन कैलेंडर का देख चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कैलेंडर की दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हमें ऑलरेडी एक पर्टिकुलर डेट दी हुई है, जैसे कि आप समझिए कि लेट 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था, इफ फ्राइडे, देन हमें चेक करना है कब, 26 जनवरी 1950। ओके, 26 जनवरी 1950 में कौन सा डे था वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब इसमें दो चीज़ हो सकती है, पहली की जो 15 अगस्त 1947 को जो एक्चुअली हमारा जो कैलेंडर उस हिसाब से फ्राइडे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में दिया हो सकता है। ठीक है, तो हमें अगर मान लीजिए अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन डिसाइड होता है तो हमें ये नहीं करना है कि हम पहले फ्राइडे के लिए चेक कर लें कि हम क्या करें कि फ्राइडे के हिसाब से चेक करें। हमें ये नहीं करना है कि 1950 जो दिया हुआ है डायरेक्टली हम उसको कैलकुलेट कर ले, जो कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था उस हिसाब से कि 26 जनवरी 1950 को हमने जो लास्ट मेथड यूज़ किया था उस हिसाब से बेसिकली हम सॉल्व कर ले, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि जो दिया हुआ है उस डाटा का यूज करते हुए इनको चेक करना है, क्योंकि ये एक्चुअल में सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डेट निकलेगी। आपको ये समझना है। अब देखिए हमें किस तरीके से इस मेथड को यूज करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हमने क्या देखा कि जो 15 अगस्त 1947 है उसमें जो फ्राइडे था उसको हमने जीरो तोड़ डे मान लिया। जो लेट 15 अगस्त 1947 इफ फ्राइडे, और इसको हमने मान लिया जीरोथ ओड डे। ओके, जीरोथ ओड डे, तो इसका क्या मीन्स है कि जब अब जो हमारा सैटरडे आएगा उसको हम वन वन आता है तो हम सैटरडे मानेंगे, अगर टू आता है तो संडे मानेंगे, थ्री आता है तो मंडे मानेंगे, फोर आता है तो ट्यूजडे मानेंगे। इस हिसाब से होगा, हमने इसको जीरो मान के आगे बढ़ गए। ओके, अब देखिए अब हम 1947 की अगर हम बात करते हैं, अब एक टेबल की फॉर्म में हम समझने का ट्राई करेंगे। तो देखिए 1947 की अगर हम बात करते हैं तो हम देखिए हमारे पास कौन सा महीना है 1947 के हिसाब से, अगस्त का महीना है जो कि 31 डेज का है। तो 15 अगस्त ऑलरेडी आ चुका है, तो यानी कि 31 डेज में से 15 दिन जा चुके हैं। तो देखिए कितने दिन बचे हैं, 16। ओके, तो 16 डेज के हिसाब से रिमाइंडर कितना आएगा, वो सिमिलर मेथड हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो बच जाएगा वो ही रिमाइंडर होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें ये देखना है कि जो सितंबर का जो मंथ है, सितंबर का जो मंथ है उसमें कितने हैं रिमाइंडर, 2 एज प्रीवियस 30 डेज। ओके, एंड अक्टूबर 3, नवंबर 2 एंड दिसंबर 3। ओके, तो देखिए ये 1947 के लिए बात करें, इसका हम रिमाइंडर चेक कर लेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए तो ये 2 2 3 2 3 इस फॉर्म में आ चुका है। अब 1947 से हम 1948 में एंट्री करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए 1948 में समझने के लिए आप क्या करेंगे कि 1948 लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हमने जहाँ तक पहले देखा था कि अगर कोई ईयर लीप ईयर होता है तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि डायरेक्टली 2 ओड डे ले लेने। ओके, और अगर लीप ईयर नहीं होता तो हमें डायरेक्टली 1 ओड डे ले लेना है। ओके, तो देखिए 1948 लीप ईयर है क्योंकि 4 के मल्टीपल की फॉर्म में आ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 366 डेज होंगे। ठीक है, एंड 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, 360 डेज क्यों है, क्योंकि ये लीप ईयर है। ओके, तो देखिए हमारे पास कितना आ गया, रिमाइंडर कितना जाएगा, 2,
ओके एंड टू वोट डे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब हम 1949 की बात करते हैं अगर, तो उसमें भी आप समझिए कितना आ जाएगा आपके पास, ये लीप ईयर नहीं है तो 365 लीप ईयर नहीं है, नो लीप ईयर, तो इस केस में क्या होता है 365 डेज होते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना या फिर ओड डे कितना बचेगा, 1। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अब सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, 1950 के लिए बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप होपफुली समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1950 के लिए बात करना है। तो 1950 के लिए बात करने से पहले हम ये समझेंगे कि 1950 है उसमें पूरा 1950 कवर नहीं हुआ है, उसमें केवल 26 जनवरी तक कवर हुआ है। तो 26 जनवरी तक अगर ये चीज़ कवर हुई है, इट मींस 26 डेज में कितना रिमाइंडर बच रहा है, उस हिसाब से हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। यानी 1950 के 26 डेज अभी तक हमारे क्या हुए, हैपन हुए। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, 26 डेज में जब हम निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 5, यानी इट मींस ओड डे आ जाएंगे 5 या फिर 5 रिमाइंडर। तो जो भी हमारे अभी तक नंबर आए हैं 26 डेज का, अब हम उनको क्या करेंगे, सम कर देंगे। ठीक है, इट मींस यहाँ पे हम समझने का ट्राई कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास डेज आए हैं हम उनका सम कर देंगे। ठीक है, रिमाइंडर की फॉर्म में। अब देखिए, 2 2 3 2 3 2 1 5, इन सब का अगर आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल 20। ओके, 20 आपके पास टोटल आ चुका है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो 20 है वो 7 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 714 एंड 6 बचता है, तो रिमाइंडर बचे 6। ओके, तो अगर रिमाइंडर हमारे पास 6 बचा है, इट मीन देखिए अभी तक हमने देख लिया था कि हमारे पास 6 रिमाइंडर आ गया, तो 6 रिमाइंडर जब हमारे पास आ गया, तो जो लास्ट में हमने एक एग्जांपल किया था इससे पहले वाला, उसमें क्या था कि हमने संडे के लिए 0 माना था, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, ऐसे वेनसडे के लिए 3। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया है कि फ्राइडे के लिए हमने 0 मान लिया है, तो जो आगे वाले डेज होंगे उनके हिसाब से उनकी कोडिंग होगी। लाइक दैट फ्राइडे के बाद अगर सैटरडे आता है तो उसके लिए 1 होगा, संडे के लिए 2 होगा। तो जब हम इसे देखते हैं इस तरीके से, तो जो 6 रिमाइंडर अगर आता है तो वहाँ उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्सडे के लिए। ओके, जो 6 रिमाइंडर होगा वो किसके लिए आ जाएगा, थर्सडे के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें पर्टिकुलरली डे पता लग गया कि किस तरीके से आया। अब देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चंस को करने के लिए। फर्स्टली, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो जो ईयर गैप होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा कम होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल 3 का आपको ईयर गैप मिल रहा है। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट 3 to 5 ईयर्स की जो डाटा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, होपफुली कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे ही है। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने चेक किया है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें उसकी नीड ही नहीं है। 26 जनवरी 1950 तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं अगर प्रीवियस वाले एग्जांपल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें ये बेस दे दिया गया है। ओके, हमें ये बेस दे दिया गया, इस बेस के हिसाब से हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब उम्मीद है कि उस दिन फ्राइडे हो, 15 अगस्त 1947 को एक्चुअल कैलेंडर के हिसाब से ही, तब तो ये इसमें सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फ्राइडे हो लेकिन आपको मंडे दे दिया गया, तो आपको जो 26 जनवरी 1950 है उस मंडे के हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो मंडे के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर होगा वो थोड़ा गलत आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस बेस सिस्टम के हिसाब से चलना है, तो वही हमने कोशिश की है। अब देखिए, अगर 15 अगस्त 1947 को हमने क्या किया था, फ्राइडे को 0 तोड़ डे मान लिया था, इसके बाद हमने क्या किया कि जो 1947 है उसके डेज जो बच गए हैं, जो आने वाले हैं, ठीक है, 1947 से 1950 के बीच में, उनको हमने पढ़ा, जो 15 अगस्त से 1947 से पहले जा चुका है उनको हमने नहीं देखा। तो अगस्त में 15 अगस्त आ चुका है, तो आगे 31 डेज है टोटल, तो 16 डेज रिमाइनिंग हो गए। उसमें हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें 2 रिमाइंडर मिला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनके लिए हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से इनके रिमाइंडर आते हैं। 1948 में हमने देखा था लीप ईयर है, तो इसमें 2 ऑर्डिनरी ईयर हमें मिलेंगे। सिमिलरली हमने देखा था कि 1949 है उसमें हमें 1 ऑर्डिनरी ईयर मिलेगा, ऐसे ही 1950 में हमें 5 ऑर्डिनरी ईयर मिला। ठीक है, 5 ऑर्डिनरी डे मिले, 2 ऑर्डिनरी डे मिले, 1 ऑर्डिनरी डे मिले। तो अब इसके हिसाब से क्या होगा कि हमने जब देखा
जो टोटल हमारे पास जितने भी ऑडिट डे आ गए थे या जो रिमाइंडर आ गए थे उनका हमने सम किया तो वो हमारे पास 20 आया। ठीक है, 20 में हमने 7 जब डिवाइड किया था तो हमारे पास 6 रिमाइंडर आया। जब हमारे पास 6 रिमाइंडर आया है तो हमने उसके हिसाब से जो हमने बेस लिया था फ्राइडे को 0 ऑडिट डे मान के, तो उस हिसाब से हमने पता किया तो हमें पता चला कि थर्सडे होगा जो 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो ये आपको जनरली याद रखना है। तो ये बेसिक रूल है कि ईयर गैप थोड़ा कम होना चाहिए और सिमिलरली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इन वर्कबुक की पीडीएफ में एक कैलेंडर का अलग से चैप्टर है, तो आप जब जाके वहाँ देखेंगे आपको 10-12 एग्जांपल दिखेंगे। आप उन 10-12 एग्जांपल को सोल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है, देन हम उनके आंसर आपको बता देंगे। आप आंसर जो भी आते हैं आपने 10-12 क्वेश्चंस के, आप उनको आंसर को कमेंट में डालिए, देन क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और होपफुली आपको कैलेंडर समझ में आया, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को 2-3 टाइम रिवाइज कीजिए, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, बाय।